हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है कि नहीं? लेक्चर लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, हर लेक्चर को ज्वाइन करना है, क्योंकि यदि आपका एक भी लेक्चर मिस होगा तो आगे की जो प्रॉब्लम होगी, पीछे के जो डाउट होंगे वो आपको क्लियर नहीं होंगे। आप जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। कहने का मतलब है कि यदि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग भी कंटिन्यू पर लेक्चर देखिए, उसको पूरा अटेंड करिए, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम है मैं आपसे बराबर बोल रहा हूँ कि आपको कमेंट में पूछना है, बार बार बोल रहा हूँ कि पूछना है पूछना है पूछना है, इसलिए हर लेक्चर को देखिए, और लेक्चर को देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में करिए, और कमेंट में करने के साथ साथ आप कब कर पाएंगे, जब आप चैनल को क्या क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और बेल आइकन कर देंगे, जिससे आपको वीडियो जल्दी से जल्दी क्या होगा, मिल जाएगा। चलिए, मैं आज के जो लेक्चर है वो आपका फ्लड मैकेनिक्स का है। तो मैंने आपको एक फ्लड मैकेनिक्स का पहले भी मैंने आपको एक लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको तमाम चीज़ें, फ्लड्स क्या होता है, फ्लड मैकेनिक क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लड्स बताया था। तो आज भी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लड्स की बात करूँगा। तो आपको बताऊँ, इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लड्स है मैंने आपको तीन तरीके से बताया था, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में आपको दो तरीके से बताया था। पहला बताया था डिपेंड्स ऑन कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा बताया था डिपेंड्स ऑन, सामने लिखा हुआ है किसके आधार पर, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वे। और तीसरा जो मैंने आपको नहीं बताया था, जो मैं अब बता रहा हूँ, तीसरा आपका क्या होता है, डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन केस्ट बाय शेयर फोर्स। अर्थात कहने का मतलब है कि जो कर्तन प्रतिबल के कारण, शेयर स्ट्रेस के कारण जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है उसके आधार पर। चलिए, तो आगे देखते हैं। इसके नीचे आप देख रहे होंगे उसमें लिखा हुआ है आपका, जो इसके आधार पर है आपका जो फ्लड्स है वो कितने प्रकार का होता है। फाइव टाइप्स होता है, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, प्लास्टिक, आइडियल एंड डायलेटेड। फिर से नाम मैं बता दे रहा हूँ, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, और आपका क्या होता है प्लास्टिक, और आपका क्या होता है आइडियल, एंड लास्ट आपका क्या बचता है आपका डायलेटेंट। बात क्लियर है ना? इसके बाद हम पहला है आपका न्यूटोनियन। जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि न्यूटोनियन, कहने का मतलब है कि यदि हम थोड़ा सा इसमें देखें क्या न्यूटन आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है आपका न्यूटन इक्वेशन का क्या करता है, पालन करता है। तो आप देखें जरा इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले न्यूटोनियन देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, These floods follows Newton's viscosity equation. These floods follow Newton's viscosity equation. अर्थात न्यूटन का जो विस्कोसिटी समीकरण है उसके लिए ये उसका क्या करता है, ये फॉलो करता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि विस्कोसिटी डज नॉट चेंज, विस्कोसिटी डज नॉट चेंज इट्स द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि जो इसका शेयर स्ट्रेस है, या सॉरी जो इसकी विस्कोसिटी है वो चेंज नहीं करती है। किसको चेंज नहीं करती है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को चेंज नहीं करती है। और इसके बाद इसका एग्जांपल आपको है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप बात को समझ लेजिएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जेई के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और जो आप लोग सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं उसमें भी न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, थिक्सोट्रॉपिक, ये सब आते हैं आपके, ठीक है ना? इसलिए मैंने इस लेक्चर को अलग से निकाला है ताकि दोनों लोगों को काम में आ जाए, एक जेई के लेवल का भी हो जाए क्वेश्चन और एक आपका सेमेस्टर लेवल का हो जाए। बात समझ में आ रही ना? तो फिर से समझ लेना, न्यूटोनियन क्या होता है, दीज फ्लड्स फॉलोज न्यूटन्स विस्कोसिटी इक्वेशन, विस्कोसिटी डज नॉट चेंज इट्स द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या क्या है आपके सामने लिखे हुए हैं, वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, एयर हो गया, डीजल हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, मतलब इसके आगे और भी हो सकते हैं। अब जो न्यूटन्स का विस्कोसिटी इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, तो सामने आपका लिखा हुआ है टाउ इक्वल टू क्या, म्यू डीवी अपॉन डीवाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टाउ होता है, टाउ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो आपका टाउ है वो किसका रिप्रेजेंट होता है, आपका शेयर स्ट्रेस का होता है। जो आपका म्यू होता है, म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, म्यू
क्या कहलाता है इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं इसको, हम लोग स्टैटिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, या इसको म्यू को ही हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहा जाता है। तो इसका जो मैंने आपको बताया था, विस्कोसिटी की डेफिनेशन बताई थी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, तो आप लोगों को पता होगा, बात क्लियर है ना। वेल, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, नॉन न्यूटोनियन। तो नॉन न्यूटोनियन आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो क्या क्लियर हो रहा है कि ये न्यूटन का जो आपका विस्कोसिटी इक्वेशन है उसका फॉलो नहीं करेगा। तो आप सामने देखिएगा लिखा हुआ है, दीज फ्लड्स डू नॉट फॉलो न्यूटन्स विस्कोसिटी, सॉरी ये लिखा हुआ है डू नॉट फॉलो न्यूटन्स विस्कोसिटी इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन न्यूटोनियन फ्लड्स होते हैं ये न्यूटन के संहिता नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन इसका जो विस्कोसिटी है वो चेंज करता है। किसको चेंज करता है, द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। किसको चेंज करता है, द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो जरा देखिए आगे लिखा हुआ है, विस्कोसिटी चेंजेस करती है किसको, इट्स रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, उसके विरूपण को क्या करती है, उसमें चेंज करती है, मतलब उसके कारण क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। बात क्लियर है ना, चेंज होती है। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं, एग्जांपल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जेई का पेपर होता है उसमें एग्जांपल पूछा जाता है। कभी कभी तो डायग्राम बना करके पूछ लेता है कि इसमें ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, तो मैं अभी डायग्राम भी बनाऊंगा। मतलब जो आपको ये सारे 500 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इनको मैं एक डायग्राम में आपको शो करके बताऊंगा। बात क्लियर है ना। तो आपका ये नॉन न्यूटोनियन क्या बताया, दीज फ्लड्स डू नॉट फॉलो न्यूटन्स विस्कोसिटी इक्वेशन, परंतु इसके आगे क्या लिखा है, विस्कोसिटी चेंजेस इट रेट्स ऑफ डिफॉर्मेशन। बात क्लियर है ना। वेल, समझ में आ गया होगा। इसका जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, मतलब ब्रेड बताया है और टूथपेस्ट बताए हैं। बात क्लियर है। तो जो डायलेशन टाइप में होता है, जो बिलियन टाइप में होता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आते हैं। इसकी जो इक्वेशन है अब ये न्यूटन्स विस्कोसिटी इक्वेशन का पालन नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज नॉट इक्वल टू म्यू डीवी अपॉन डीवाई। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका प्लास्टिक फ्लड्स आता है। तो प्लास्टिक फ्लड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक फ्लड्स की या प्लास्टिक की जो कंडीशन होती है, इसमें आपका ये मेन पॉइंट होता है। कहने का मतलब है कि इसमें ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए, और वो होता है आपका इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। क्या होना चाहिए, इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक फ्लड्स के रूप में देखा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्लास्टिक फ्लड इज नॉन न्यूटोनियन लिक्विड। मतलब कहने का है कि एक तरीके से जो प्लास्टिक फ्लड्स होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन लिक्विड होते हैं, परंतु आगे क्या लिखा हुआ है, द इनिशियल यील्ड स्ट्रेस इज नेसेसरी फॉर डिफॉर्मेशन। मतलब कहने का है कि डिफॉर्मेशन के लिए इसमें इनिशियल यील्ड स्ट्रेस का होना जरूरी है। बात क्लियर है ना। तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है, जैसे ऊपर मैंने आपको न्यूटन्स और नॉन न्यूटन में बताया, आपका न्यूटन्स का जो विस्कोसिटी इक्वेशन है वो क्या होता है, टाओ इज इक्वल टू म्यू डीवी अपॉन डीवाई। तो यहाँ पर भी वही होता है, टाओ इज इक्वल टू डीवी म्यू डीवी अपॉन डीवाई। बस इसमें क्या होता है कि जो आपका इनिशियल स्ट्रेस की बात हो रही ना, उसको इसमें क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। तो आप जरा देखें इसके प्लास्टिक की कंडीशन में आगे आपका लिखा हुआ है फॉर्मूला, और क्या लिखा हुआ है आपका, टाओ इज इक्वल टू टाओ नॉट प्लस म्यू डीवी अपॉन डीवाई की पावर एन। तो आप देखें इसमें टाओ तो आपका शेयर स्ट्रेस हो गया, आपको बताया मैंने, और जो टाओ नॉट है वो आपका क्या कहलाएगा, इनिशियल शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनिशियल शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। नाउ दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे बात करते हैं कि जो आपका प्लास्टिक फ्लड्स होता है, इसको हम लोग दो तरीके से और देख सकते हैं। तो एक तरीका होता है आपका कि एक होता है आपका आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक का जो दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं विंगम प्लास्टिक। क्या बोलते हैं, विंगम फ्लड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आइडियल प्लास्टिक या फिर आपको आइडियल बोलना है तो आइडियल बोल देना, लेकिन आइडियल आपका दो तरीके का होता है, इसलिए आप लोग इसका नाम पूरा क्लियर कर लेना, आइडियल प्लास्टिक, ठीक है ना। और इसी आइडियल प्लास्टिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विंगम फ्लड्स भी बोला जाता है। चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यह आइडियल फ्लड्स या विंगम फ्लड्स होता क्या है। तो आप देखें एक तरीके से ये क्या होता है, आपका प्लास्टिक फ्लड्स होता है। प्लास्टिक फ्लड्स है, तो प्लास्टिक फ्लड्स में मैंने आपको बताया
कि इसमें आपका इनिशियल यील्ड स्ट्रेस का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप देखें, मैंने दोनों नाम बताए हैं, एक आइडियल और दूसरा इसी का नाम होता है विंगम, और इसका जो दूसरा टाइप है वो आपका नीचे लिखा है थिक्सोट्रॉपिक। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका आइडियल प्लास्टिक होता है या विंगम प्लास्टिक होता है, तो इसका जो शेयर स्ट्रेस है और डिफॉर्मेशन का जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होता है, किसमें? आइडियल में। लेकिन जो आपका थिक्सोट्रॉपिक होता है, इसमें शेयर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन, द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का जो रिलेशनशिप होता है वो आपका लीनियर नहीं होता है। मैं आपको डायग्राम में क्लियर कर दूंगा। चलिए आप देखिए, जो मैंने बताया वो सही बताया कि नहीं बताया, चलिए देखिए। तो क्या लिखा है आइडियल में? आफ्टर इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इनमें आपको इनिशियल यील्ड स्ट्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल यील्ड स्ट्रेस के बाद ही ये चीज़ आपकी लागू होगी। तो इनिशियल यील्ड स्ट्रेस, आफ्टर इनिशियल यील्ड स्ट्रेस एन आइडियल प्लास्टिक फ्लड, मतलब जो एक आइडियल प्लास्टिक फ्लड होता है मेंटेन। फिर आगे लिखा है लीनियर रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या रखता है आपका, एक लीनियर रिलेशनशिप रखता है, किस किस के बीच? बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में ये क्या रखता है आपका, क्या रखता है? रिलेशनशिप रखता है। तो यही तो मैंने आपको बताया था पहले। चलिए आगे बात करते हैं, तो थिक्सोट्रॉपिक की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, कि इसमें भी आपका आफ्टर इनिशियल यील्ड स्ट्रेस की कंडीशन होगी, लेकिन इसमें मैंने क्या बताया कि जो आपका मेंटेन होगा, मतलब जो आपका रिलेशनशिप होगा किस किस के बीच, इनिशियल सॉरी शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच, ये आपका क्या होता है? लीनियर नहीं होता है। तो वो मैं आपको डायग्राम में क्लियर कर दूंगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो आपका आइडियल विंगम होता है, आइडियल विंगम जिसको बोलते हैं, इसका जो एग्जांपल है आपके सामने लिखा हुआ था एस, जिसको बोलते हैं बोलो क्या क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं ना, तो राख होता है आपका एस। इसके बाद थिक्सोट्रॉपिक है, तो थिक्सोट्रॉपिक जिसमें आपका रिलेशनशिप आपका क्या होता है, लीनियर नहीं होता है। फिर से बोल रहा हूँ, किस किस के बीच नहीं होता है आपका, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच नहीं होता है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, ये दोस्तों आप लोगों को मैंने जो आपका ऑफलाइन क्लास था उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब मैंने आपको विस्कोसिटी की डेफिनेशन बताई थी। इस लेक्चर में भी आगे बता दूंगा, अगला जो लेक्चर होगा एक दो लेक्चर के बाद आपको ज़रूर विस्कोसिटी की डेफिनेशन मिलेगी, तो उसमें मैं आपको ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन मत लेना है। और आपको बता दूं कि चैनल को क्या करते रहना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड बेल आइकन करते रहना है, ताकि आप मेरी घंटी बजाइए, जिससे आप मेरी घंटी बजाएंगे, जितने अच्छे से बजाएंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतने अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं आपके लिए ला के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, उतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना है। वेल आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो थिक्सोट्रॉपिक होता है, इसका जो एग्जांपल होता है आपके सामने लिखा हुआ है कि मिनरल ऑयल्स इसके अंतर्गत आते हैं, और ये आपके सामने लिखा हुआ है कि जो प्रिंटर इंक है वो भी आपकी थिक्सोट्रॉपिक के अंतर्गत आती है। तो वेल समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो जो जेई की तैयारी करना है वो उसको, उन लोगों के लिए तो ये जो लेक्चर है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने एग्जाम दिए होंगे, आपको हर एग्जाम में लगभग ना लगभग इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिला होगा। चलिए थोड़ा सा नजर डालिए फिर इस पूरे। अच्छा एक चीज और, मैंने प्लास्टिक बता दिया, इसके आगे बात करते हैं आइडियल फ्लड्स की। तो मैंने आइडियल फ्लड्स का फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आइडियल फ्लड्स क्या होता है, कि जो कि सरफेस टेंशन और किसका, विस्कोसिटी को नहीं रखते हैं, मतलब ऐसे फ्लड्स जिसमें आपका विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन का जो प्रॉपर्टीज है फ्लड्स की जो नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लड्स बोलते हैं। चलिए आप लोग जल्दी से नज़र डालिए इसके ऊपर, फिर मैं आपको इसको पूरे डायग्राम को, इस पूरे को एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है ना। आशा करता हूँ अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी डाउट बनता है आपका, आपको हर लेक्चर में आपको जो भी डाउट है आपको कमेंट करके पूछना है, ठीक है ना। और बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को घर पे ही रहना है, आप लोगों को मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग बाहर मत लेके निकलिए, घर पर ही रहिए, ठीक है ना।
और जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब मैंने अपना कराया था उस टाइम पे भी बोला था कि आपको सैनिटाइजर से कंटिन्यू हाथ धोने, सैनिटाइजर नहीं है तो आपको क्या करना है, किसी भी शॉप से दिन में 3-4 बार या 4-5 बार आप लोग हाथ धो लिए, कहीं से थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं तब भी हाथ धुलना है, ठीक है ना। और लॉकडाउन का क्या करना है आपको, पालन करना है ताकि आप सुरक्षित रहें और ये देश सुरक्षित रहे, बात क्लियर है ना, ठीक। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, तो आपने जिसने भी ये फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा होगा उन लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस बहुत सारी बातें मैंने उसमें बता दी थी आप लोगों को, ठीक है ना। तो हर लेक्चर को आपको देखना क्या है आपका कंपलसरी है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये मत करिएगा कि मैं यहाँ पे मेहनत करूँ लेकिन आप लोग मेहनत ना करें, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी और आप लोगों के जो नंबर है एग्जाम में वो कैसे आ जाए, बेकार आ जाए, क्योंकि यदि आपके नंबर बेकार आए तो उसमें प्रॉब्लम मुझे होगी, क्योंकि मैंने मेहनत की है। और यदि आपके नंबर कम आए तो मेरे साथ साथ जो आपके पेरेंट्स हैं उन्हें भी मेहनत का जो आपका फल, यदि आप नहीं देते हो तो उन लोगों को भी टेंशन होगी, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए क्योंकि वो लोग भी आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक डायग्राम के थ्रू में इस पूरे जितने भी आपके टाइप्स होते हैं उन सबको मैं बता रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर नजर डालिएगा। ये जो आपकी जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये आपकी किसको प्रदर्शित करती है, शेयर स्ट्रेस को शो करती है, प्रदर्शित करती है। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल है ये आपकी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को शो करती है, किसको शो करती है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को शो करती है, क्लियर है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, डायग्राम को अच्छे से देखना मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये रट लो रट लो रट लो, मैं बोल रहा हूँ कि रट लो आप लोग, क्योंकि जेई में भी क्वेश्चन आता है और जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन उसका एग्जाम्पल डेफिनेशन और इसके बारे में जो भी आपको मैंने बताया सब कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका जरूर आता है पेपर में, ध्यान समझिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैंने आपको एक इनिशियल यील्ड स्ट्रेस की बात की थी ना, तो जो ये हाइट होती है ना आप इससे, ये जो आपकी होती है ये आपकी शो करती है किसको, यील्ड स्ट्रेस को शो करती है, वेल क्लियर है ना। अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं आ गया, ये आपका यील्ड स्ट्रेस होता है, आप देख रहे हैं इस पॉइंट से मैंने इसको शो किया है यील्ड स्ट्रेस को, बात क्लियर है ना। और ये जो वर्टिकल वाली ये लाइन दिखाई दे रही है ना आपको डायग्राम की, ये आपकी क्या है, आपकी टोटल शेयर स्ट्रेस को शो करती है, बात क्लियर है ना। ये आपकी क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि जो आपका आइडियल होता है, जैसा आपका जो न्यूटन्स होता है ना वो किसको शो करता है, किसका पालन करता है आपको, न्यूटन्स विस्कोसिटी इक्वेशन को शो करता है ना, मतलब उसका फॉलो करता है ना। तो क्या होता है आपका टाउ बराबर म्यू डी वी अपॉन dy, यही तो होता है आपका न्यूटन विस्कोसिटी इक्वेशन, टाउ बराबर म्यू डी वी अपॉन डी वाई। और मैं जो म्यू है आपका, म्यू क्या होता है आपका विस्कोसिटी, और आपको पता है कि आइडियल में जो फ्लक्स होता है उसमें विस्कोसिटी नहीं होती है, अर्थात इसके किसके लिए, आइडियल के लिए जब हम बात करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। आइडियल के लिए आपका क्या होगा, आइडियल में आपकी विस्कोसिटी नहीं होती, अर्थात विस्कोसिटी मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब आप इसमें जीरो की वैल्यू पुट अप करोगे तो टाउ बराबर आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। अब टाउ क्या होता है आपका, शेयर स्ट्रेस होता है ना, टाउ क्या होता है आपका, शेयर स्ट्रेस। क्या ये ऊंचाई कुछ आएगी क्या आइडियल के लिए, नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि जो ये पॉइंट है यही आपका डिफॉर्मेशन में पहुंच जाएगा, मतलब कहने का है कि ये जो लाइन है आपकी ये आपकी किस फ्लड्स को शो करती है, आइडियल फ्लड्स को शो करती है, किसको, फ्लड्स को शो करती है, आइडियल फ्लड्स को। आशा करता हूँ वेल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ये आपकी क्यों आइडियल फ्लड्स कहलाती है, क्योंकि इसमें म्यू की वैल्यू जो होती है आपकी क्या होती है, आपकी जीरो होती है, क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो ये वाली जो लाइन है आपकी वक्र की कर्व की, ये जो आपकी होती है ये डायलेट एंड होती है, क्या होती है आपकी, डायलेट एंड। मैंने आपका फिफ्थ नाम यहाँ पे लिखा था सबसे नीचे, डायलेट एंड फ्लड्स होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये वाली जो लाइन है अच्छे से समझ लीजिएगा, ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या होती है, न्यूटोनियन, क्या होती है आपकी, न्यूटोनियन, बात क्लियर ना। और ये जो वक्र का आपका गया है ये आपकी कौन सी होती है,
नॉन न्यूटोनियन कौन सी होती है? नॉन न्यूटोनियन। बात क्लियर है ना? इसके बाद जो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये आप क्रम याद कर लीजिएगा। क्रम आपको यदि याद हो गया तो लिख के देता हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा 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 मिलेगा। बात क्लियर है ना? तो ये आपका जो नॉन न्यूटोनियन होता है, ये आपका नीचे वाला न्यूटोनियन होता है, उसके नीचे वाला डाइलेटेंट होता है, उसके नीचे वाला आइडियल फ्लक्स होता है। चलिए ऊपर की बात करते हैं थोड़ा सा और। तो ये जो होता है आपका एक्चुअल फ्लड्स होता है, क्या होता है आपका एक्चुअल फ्लड्स होता है, बात क्लियर है ना? और ये आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो शेयर स्ट्रेस है और जो आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो आपका एक लीनियर रिलेशनशिप रखता है, और किस में रखता है, प्लास्टिक में रखता है। यदि प्लास्टिक में रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइडियल प्लास्टिक। अभी हल मैंने आपको बताया था पीछे, बात क्लियर है ना? मैंने प्लास्टिक फ्लड्स में बताया था ना, आइडियल प्लास्टिक जिसको हम लोग विंगम बोलते हैं, दूसरा क्या बताया था, थिक्सोट्रॉपिक, बात क्लियर है ना? और विंगम और आइडियल मतलब लीनियर रिलेशनशिप होगा, किस किस में, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या है, उसमें ये भी बताया था आफ्टर यील्ड स्ट्रेस, आफ्टर इनिशियल स्ट्रेस। तो ये आपका इनिशियल स्ट्रेस हो गया ना, बात क्लियर ना? ये आपका इनिशियल स्ट्रेस है, इसके बाद शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यदि लीनियर रखता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइडियल प्लास्टिक, या इसी का नाम क्या होता है आपका, विंगम। क्या होता है? इसी का नाम क्या होता है आपका, विंगम। बात क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट बचा है, वो आपका क्या होता है कि जो शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ये आपका क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन नहीं बनाते हैं या लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपिक। क्या बोला जाता है? थिक्सोट्रॉपिक बोला जाता है। बात क्लियर है ना? ये आपकी क्या शो करता है, सॉलिड स्टेट शो करता है। मतलब कौन सी कंडीशन स्टेट करता है, सॉलिड स्टेट को। तो आप लोग अच्छे से डायग्राम को देख लीजिएगा, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी, और जो सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं वो भी, एग्जाम होगा आप ये मान के चल जाओ। तो आप लोगों को ये तैयारी करनी है, आप डायग्राम को देख रहे हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो सबसे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी क्या शो करती है, आइडियल फ्लक्स को करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें जो आपकी विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी जीरो होती है। इसके बाद आपका क्या आता है, डाइलेटेंट आता है, फिर न्यूटोनियन, फिर नॉन न्यूटोनियन, एक्चुअल फ्लक्स, और फिर एक्चुअल फ्लक्स मतलब कौन सा, एक्चुअल प्लास्टिक फ्लक्स। कैसा वाला? एक्चुअल प्लास्टिक फ्लड्स, ठीक है ना? कंफ्यूजन में मत रहना, मैं क्लियर कर दिया, गलत ले हो गया था, सॉरी। तो एक्चुअल प्लास्टिक फ्लड्स, फिर आइडियल प्लास्टिक फ्लड्स जिसको अपन लोग विंगम बोलते हैं, सबसे लास्ट क्या आता है आपका, थिक्सोट्रॉपिक। वेल, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिएगा ताकि आपको हर डाउट क्लियर हो, बात क्लियर है ना? और आपको लास्ट बार फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन द वे क्लासेस। थैंक यू, गुड नाइट।